जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय मींदरी अनाज मंडी में पहुंचे हैं और बाहर अगर बात करें तो जो इस समय बरसात का मौसम बना हुआ है और ऊपर से सीजन जो है गेहूं का सीजन पीक पर है, उसी के चलते ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर जो रखा हुआ अनाज है उसको ढकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बरसात कभी भी आ सकती है और बरसात की वजह से जो बाहर रखी हुई गेहूँ है वो भीग सकती है। और जो एजेंसियां हैं वो क्यों नहीं अभी तक उठान का कार्य पूरी तरीके से कर रही हैं, क्योंकि कई बार अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक जो उठान की समस्या है ज्यों की त्यों बनी हुई है। बाहर अगर बात करें तो मौसम ख़राब होता नज़र आ रहा है, लेकिन उन पर गेहूं की जो बाहर बोरियाँ रखी हुई हैं उन पर तरपाल जरूर ढक दी है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मंडी की वो आपको इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखाई जा रही हैं, चाहे लोडिंग का काम है वो कितना चल रहा है और क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि बाहर जो है बात करें बारिश का मौसम जो है आ चुका है और बरसात कुछ ही देर में आ सकती है, जिसकी लेकर के आपको लाइव तस्वीरें इस समय जनता हल्का पर दिखा जा रहे हैं। अनाज मंडी इंद्री के आपको हालात दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर गेहूँ के कट्टे बाहर पड़े हैं और किस जो एजेंसियाँ हैं, चाहे अप्पड़ की बात करें या फिर DFSC की बात करें, तो दोनों एजेंसियां कितने कितने कट्टे उठा रही है, किसकी लापरवाही है, क्यों नहीं समय पर किसानों की पेमेंट हो रही है। जब 72 घंटे तक बताया जा रहा है कि गेहूं का उठान हो जाएगा लेकिन और जो पेमेंट है वो आ जाएगी किसानों के खातों में, लेकिन अभी तक ऐसा धरातल पर नहीं होता नज़र आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री अनाज मंडी से देख सकते हैं। हमारे साथ इस समय इंद्री अनाज मंडी के प्रधान इसम सिंह कंबोज जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे, अनाज मंडी में मौसम ख़राब है, क्या व्यवस्थाएँ हैं मंडी की, एक बार ये जवाब। सबसे पहले तो मैं जनता हल्का का धन्यवाद करता हूं, जो हर वर्ग की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी अनाज मंडी में इस टाइम मौसम की, हमारी क्या सभी अनाज मंडियों में मौसम की मार है और आढ़ती भी परेशान है, लेबरा भी परेशान है, ताकि सरकार का जो माल है वो नहीं बिके उसके लिए तिरपालों का इंतजाम कर रखे हैं, तिरपाले ढके हुए हैं, लोडिंग का कार्य चल रहा है और जो गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्ट का कार्य है, ट्रांसपोर्ट का कार्य भी चल रहा है। चलो कुछ धीमा है, ये ज़रूर कहेंगे धीमा है, वो ट्रांसपोर्ट की वो व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए थी। फिर भी आढ़ती इतना कार्य कर रहे हैं कि माल को बिगड़ने से बचा रहे हैं या उसको साइड में चट्टे लगा रहे हैं, वो व्यवस्था आढ़ती स्वयं अपने ऊपर लेके कार्य कर रहा है। सरकार की तरफ से है कि 72 घंटे में जो किसान का अनाज है वो एजेंसियां खरीद लेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उठान की समस्या जो कि तो बनी हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर। सरकार ने उठान के कार्य को 72 घंटे के लिए बोला हुआ है ताकि उठान का कार्य ठीक हो सके और किसान की पेमेंट समय पर किसान को मिल सके, पर उठान का कार्य थोड़ा धीमा होने की वजह से माल उठ नहीं पा रहा है, जिससे किसान की पेमेंट में थोड़ी लेट लतीफी है। अगर माल समय पर उठता है तो सरकार की तरफ से पेमेंट तुरंत उसके खाते में आ जाती है। ये गाड़ियों की कम व्यवस्था होने की वजह से ये उठान नहीं हो पा रहा है, क्या कहें। हाँ, गाड़ियों की व्यवस्था कम है, ट्रांसपोर्ट को पहले भी हमने बोला है और अब भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कम होने की वजह से ही माल में लेट लतीफी है। उस दिन पहले गाड़ी भी वापस आई है और बताया जा रहा है कि खराब धान तो गेहूँ थी इसमें। हाँ, कुछ माल पहले मौसम ख़राब हो गया था, उस मौसम ख़राब होने की वजह से और माल में नमी आ गई थी, नमी की वजह से वो एफसीआई ने माल वापस कर दिया था, उसमें कुछ कट्टे वापस आ गए थे, बाकी अच्छे थे वो उतार लिए गए थे, उन कट्टों को सुखा दिया गया, सुखाने के बाद उनको दोबारा भराई करके और सरकार को दे दिया गया है। तो ये ट्रांसपोर्ट को लेकर के आपकी बातचीत चल रही है कि जल्द से जल्द उठान हो क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है। हमने ट्रांसपोर्ट से बात की है, ट्रांसपोर्ट ने हमारे को बोला है भाई हम आपको गाड़ियों का इंतजाम पूरा करके देंगे, पर उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट की लेट लतीफी चल रही है, जिससे कि आढ़ती और किसान मजदूर भी बहुत परेशान है, क्योंकि बार बार मौसम ख़राब होता है, ये तो परमात्मा की मार है, उसके आगे कोई नहीं कुछ कर सकता, बाकी बार बार लेबर को परेशान होना पड़ता है, उनको डांगे लगानी पड़ती हैं, तिरपाले ढकनी पड़ती हैं, उसको इसमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जो मजदूरों की दिहाड़ी है ये इधर उधर पलटी लगानी, तो ये आप लोगों के ऊपर होती है या एजेंसियाँ देती हैं। हाँ, ये है जो भी मजदूर
अगर एक कट्टे को पलटेगा उसकी सारी की सारी मजदूरी आड़ती को खुद वहन करनी पड़ती है। आड़ती के पल्ला तो कुछ नहीं पड़ता, आड़ती को तो नुकसान ही है। आड़ती को मिलता क्या है? उसकी कटौती आएगी, वो आड़ती देनी पड़ती है। लेबर लगेगी, वो आड़ती की लगती है। कोई नुकसान होगा तो आड़ती के ऊपर झेलना पड़ता है। पर आड़ती के करे क्या, आड़ती इतना मजबूर कर दिया कि एक चौकीदारे का काम करने पर मजबूर हो गया। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करोगे? जो ट्रांसपोर्ट है, हम ट्रांसपोर्ट से बार बार आग्रह कर रहे हैं और सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मंडियों में दुरुस्त की जाए ताकि किसान का माल ना बिके, आड़ती का माल ना बिके। आड़ती बार बार इसको टांगे लगाता है, पैसा खर्च करता है, कहाँ से इतना मतलब है, इनकम तो आड़ती की है नहीं। उसको जो मिलती है आड़ती मिलती है वो भी अपना अपना चट्टे में चली जाती है, डांगा लगाने में चली जाती है। तो सरकार की जिस तरीके से 72 घंटे में पेमेंट किसानों तक पहुंचने की बात है, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन तक नहीं पहुंच पा रही है? हाँ, जो किसानों की पेमेंट है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती, वो ट्रांसपोर्ट की कमी है। ट्रांसपोर्ट टाइम पर आड़ती को नहीं मिलता, और जो ट्रांसपोर्ट टाइम पर नहीं मिलेगा तो माल लेट उठेगा, लेट उठेगा तो किसान की पेमेंट खाते में कैसे जाएगी? किसान की पेमेंट खाते में जाती नहीं। किसान इससे पेमेंट से परेशान होगा क्योंकि उसका गुजारा ही 6 महीने का इसी चलता है। कितना लेट हो गया पेमेंट? पेमेंट लेट तो कोई जैसे माल लेट है वैसे पेमेंट लेट है। अगर पेमेंट 72 घंटे में उठाने का कार्य 72 घंटे में होता है तो पेमेंट किसान की पेमेंट तो 48 घंटे में आ जाती है खाते में। तो सरकार की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सही हो तो फिर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की वजह से ही सारी लेट चलती पी है। बाकी पेमेंट माल उठने के बाद में सरकार की व्यवस्था ठीक है, पेमेंट तुरंत 48 घंटे में सरकार पेमेंट किसानों को दे देती है। ट्रांसपोर्ट द्वारा अपनी मर्जी से गाड़ियां भेजने की बात भी सामने आई थी? ट्रांसपोर्ट ने करा था ऐसा, जो अपनी मर्जी से गाड़ियां भेज रहा था, पर हमने इंस्पेक्टर को बोला, इंस्पेक्टर हमारे ठीक हैं और उन्होंने उनको बोला है अभी ऐसे नहीं करो, जो गाड़ियां हैं वो हमारे इंस्पेक्टर के थ्रू जाएंगी या मंडी एसोसिएशन के थ्रू जाएंगी। तो उनकी जो गाड़ियां बाईपास गाड़ियां आई थी उनको तुरंत खाली कराया गया और इंस्पेक्टर के थ्रू मंडी में उनको भिजवाया गया। ये 2-3 दिन पहले है। साथ पूर्व प्रधान समय सिंह कंबोज जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे, मंडी में किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा कमी रही, अब की बार ट्रांसपोर्ट में बड़ी भारी दिक्कत आई और जो ट्रांसपोर्टर के ठेकेदार के आदमी हैं वो मतलब सारे सही काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से ट्रक इधर उधर कर रहे हैं और रोकने के बावजूद भी वो कोई रिस्पांस नहीं देते। और इतना माल जो पड़ा अब तक ये नहीं रहना चाहिए था, किसानों की पेमेंट भी इसी वजह से लेट हो रही है और अब मौसम ख़राब हो गया। पहले भी आड़ती भुगत रहे, आप फिर आपके सामने डांगे लगा रहे, चट्टे लगा रहे, आड़ती लगा रहे हैं, जबकि ये आड़ती कोई जिम्मेवारी थोड़ी होती है 72 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद। तो इसके लिए एजेंसी जिम्मेवार, एजेंसी के जो ठेकेदार है वो सही काम नहीं कर रहे और इसलिए एजेंसी को बियर करना चाहिए जबकि आड़ती को करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट पर्याप्त मात्रा में ना होने की वजह से इस तरह की देरी है? हाँ बिल्कुल, अगर ट्रांसपोर्ट पर्याप्त मात्रा में होते ये प्रॉब्लम आती नहीं। ये तो अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? अधिकारियों से कई कई बार बात हुई, अधिकारी भी आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर सुनते ही नहीं। अधिकारी बोल देते हैं फिर वही कि वही एक दिन करते हैं फिर दाएं बाएं हो जाते हैं। कब तक अधिकारियों से भी कहें, कब तक किससे कहें? अभी 2-3 दिन पहले कुछ ट्रांसपोर्ट को लेकर के भी अड़तियों और जो एजेंसी है उसके साथ बात, ये तो कई बार होता है। 2 दिन पहले क्या, कई पहले भी हुआ एजेंसी के साथ मतलब या ट्रांसपोर्टर के साथ, तो होता ही रहता है, लेकिन ये फिर भी मतलब अपनी दिंगा मस्ती ज़्यादा करते हैं ट्रांसपोर्टर। तो कहीं ना कहीं पैसे ले दे करके कुछ ऐसी बातचीत सामने आई है? ऐसी भी सुनी है, लेकिन अब इस पर आज उस इंस्पेक्टर ने पूरा कंट्रोल किया है, 1-2 गाड़ी भी खाली कराई जो नाजायज भेजी गई। इंस्पेक्टर इसके लिए मुस्तैद हुआ है अब उसको, क्योंकि उसको कहा था भाई इसकी फिर लोग शिकायत करेंगे, तुम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, इनको रोको। DFSC की बात थी, एफर्ट का अपने काम में पूरा दुरुस्त है काम, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो DFSC की वजह से ये जो कट्टे पड़े हैं? हाँ, ये DFSC का माल ज़्यादा पड़ा क्योंकि परचेज भी नहीं की ज़्यादा है। अच्छा। और ट्रांसपोर्टर में भी ट्रांसपोर्ट की कमी भी नहीं की है ज़्यादा। अधिकारी आए हैं जैसे SDM की बात? हाँ, अधिकारी आते हैं, रूटीन में आते रहते हैं, BDO साहब आते हैं, SDM साहब आते हैं। तो आपने अपनी रखी है? हमने समस्या कई बार रखी है, उन्हें सुनी भी है, हल कराया भी है 1-2 बार। अब रोज वो भी तो नहीं खड़े रहते ना यहाँ से, रोज कैसे रहेंगे इनको, मतलब अपने आप देखना चाहिए एजेंसी को या ट्रांसपोर्टरों को। तो जो लापरवाही बरत रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करोगे? बिल्कुल करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इतना लेट उठा रहे हैं माल यहाँ से। अब कई कई मंडियों के ठेके ले रखे, यहाँ से ट्रक हटा के दूसरी में भेज देते हैं, उधर से जोर पड़ जाता है उधर भेज देते हैं, इधर पड़ जाता है इधर भेज, ट्रक वही है, नंबर वही है, उधर भी दे दिए इधर भी दे दिए। इसके खिलाफ तो कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। जो गाड़ी वापस आई वो क्या रीजन था, क्या कारण था?
वापस आए, जैसे बरसात हुई इसमें पानी भर गया, थोड़ा बहुत लग गया तो लोगों ने सुखाई भी है, लेकिन निचला दाना कोई कोई खराब हो जाता, वहाँ से FCI वाले वापस कर देते हैं। बताओ आरती कहाँ तक सहन करेगा इस बात को, जबकि मतलब उठान तो एजेंसी ने करना है ना, आरती फिर भी कोऑपरेट कर रहे हैं और क्या करेंगे आरती। गलत गाड़ी गई थी पर जैसे? गलत गाड़ी नहीं गई थी, जैसे आप देख रहे हैं आज मौसम खराब हो गया, ये इतना माल खड़ा है एकदम तो मुंह में नहीं पड़ता, एकदम तो उठाई नहीं हो सकती इसकी ना, एकदम डांग लग सकती। अब नीचे नीचे पानी भर गया, पत्रपाल तो डाल दी, नीचे नीचे पानी लग गया थोड़ा बहुत, वो माल डांग भी लगवाई लेकिन वो गिल्ला हो गया, वो दाना कोई अगर खराब हो गया उसको भी नहीं उतारते, वो भी मतलब वापस भेजते हैं ना। जिस तरीके से मौसम खराब है और मंडी में हालात क्या हैं वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय इंद्री अनाज मंडी में जो लिफ्टिंग का काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। एजेंसियों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के, अड़ती क्या कहते हैं, जिस तरीके से दो दो एजेंसियां हैं और उसके बाद दोनों एजेंसियां कितना अपना काम कर रही है, चाहे एपड़ की बात करें या फिर DFSC की बात करें। कुछ दिन पहले अड़तियों को और DFSC के अधिकारियों के साथ बातचीत भी हुई और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से चल रही थी ये हमने अड़तियों से और किसानों से और जो यहाँ पर अड़ती हैं उनसे जानने का प्रयास किया है। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही है, जहाँ पर बाहर पड़ा इस समय जो गेहूं है वो अभी भी चट्टों में लगा पड़ा है, लेकिन 72 घंटे तक जो अधिकारी बोल रहे हैं कि उठान की समस्या को हल कर लिया जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सही तरीके से ना होने की वजह से धीमा काम चलता नजर आ रहा है, जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि 72 घंटे जिस तरीके से सरकार द्वारा एक ऐलान किया गया है कि 72 घंटे में पेमेंट जो है किसान के खाते में आ जाएगी फसल की, लेकिन वो इस तरीके के जो अधिकारी हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको लेकर के इस समय पहुंचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इंद्री मंडी के आपको हालात इस समय दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इंद्री मंडी के हालात आपने देखे हैं कि किस तरीके से बने हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। चट्टे लगे हुए हैं और किस तरीके से जो मौसम खराब है उसकी भी कहीं ना कहीं जो चट्टे लगे हैं उन पर भी मार पड़ सकती है, क्योंकि अनाज जो है खराब हो सकता है। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री अनाज मंडी से पंकज कुमार।